नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। पूरे तरीके से चुनावी माहौल गर्म है। वोटर्स को रिझाने के लिए कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से अगले आदेश तक रैलियों पर रोक के चलते वर्चुअल मोड में एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी बीच एडीआर की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी ने साल 2019-20 में अपनी संपत्ति 4,847 करोड़ रुपए घोषित की थी। देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। इस मामले में दूसरे नंबर की पार्टी की बात करें तो वो बीएसपी है। बसपा ने अपनी संपत्ति 698.33 करोड़ रुपए बताई है। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने अपनी संपत्ति 588.16 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट में दी गई है। साल 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की संपत्तियों और देनदारियों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। विश्लेषण के अनुसार इस वित्त वर्ष में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की ओर से घोषित की गई कुल संपत्ति 6,988.57 करोड़ है। वहीं 44 क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से घोषित की गई कुल संपत्ति 2,129.38 करोड़ रुपए रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति में बीजेपी की हिस्सेदारी 69.37% और बसपा की हिस्सेदारी 9.99% है। इसके अलावा कांग्रेस की हिस्सेदारी 8.42% रही है। एडीआर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 44 क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज और शीर्ष 10 राजनीतिक दलों की संपत्ति 2,028.715 करोड़ रही है। ये सभी क्षेत्रीय दलों का 95.27% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा संपत्ति समाजवादी पार्टी ने 563.47 करोड़ रुपए बताई है। इसमें दूसरे स्थान पर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस रही, जिसने अपनी संपत्ति 301.47 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों में अन्नाद्रमुक का तीसरा नंबर है, जिसने अपनी संपत्ति 267.61 करोड़ रुपए घोषित की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा ने 1,639.51 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इसमें बीजेपी ने 3,253 करोड़, बीएसपी ने 618.46 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। कांग्रेस ने 244.90 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस श्रेणी में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो सपा ने 434.219 करोड़ रुपए, टीआरएस ने 256.1 करोड़, अन्नाद्रमुक ने 246.90 करोड़ और द्रमुक ने 162.425 करोड़, जबकि शिवसेना ने 148.46 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।